Hello friends, today we'll discuss social psychology, its nature and subject matter. आज हम सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति और उसकी विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे. इससे पहले कि हम इस सब्जेक्ट की चर्चा करें, लेट अस सी सम प्रोमिनेंट सोशल साइकोलॉजिस्ट. विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को उन महान हस्तियों के बारे में एटलीस्ट उनका नाम पता होना चाहिए, कैसे कैसे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए वे जरूर पता होना चाहिए. बिफोर स्टार्टिंग अवर डिस्कशन ऑफ द सब्जेक्ट, आई विल नेम फ्यू जो प्रोमिनेंट सोशल साइकोलॉजिस्ट रहे हैं. एंड आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर दैट इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट. बहुत सारे और भी बहुत बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक, हमारे सामाजिक मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिनका सभी का नाम यहाँ पर लेना संभव नहीं है. देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं लियोन फेस्टिंगर, अल्बर्ट बंडूरा, कर्ट लेविन, स्टैनले मिलग्राम, एफ एच आलपोर्ट, आनंद सेन गुप्ता, फ्रिट्स हेडर, एस एम मोहसिन, मुजफ्फर शरीफ, सी डब्ल्यू शरीफ, हैरी हार्लो, सोलोमन एश, जोनम डाले, जॉर्जस मीड एंड स्टैनले स्केक्टर. इनके सिवा भी बहुत सारे सोशल साइकोलॉजिस्ट रहे हैं. आई एम थैंकफुल टू देम जिन्होंने सामाजिक मनोज्ञान को इतना रिच किया है. नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड इन विच विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी बुक्स. अगर आपको इस विषय को पढ़ना है तो कौन कौन सी वो किताबें हैं, वो पुस्तकें हैं जिन्हें हमें रेफर करना चाहिए. हालांकि हर एक्सपेरिमेंट की अलग अलग किताब्स हैं, बट मुख्य रूप से जो कुछ मैं किताबों के नाम यहाँ दे रहा हूँ, जैसे ओबीडियंस टू अथॉरिटी बाय स्टैनले मिलग्राम, द सोशल एनिमल एलियट एरनसन, सोशल साइकोलॉजी बैरन बान, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो डेनियल कहनेमैन, सोशल साइकोलॉजी अरुण कुमार सिंह, समाज मनोविज्ञान का परिचय विमल अग्रवाल, अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी इन इंडिया गिरीश्वर मिश्रा, बिहेवियर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल स्ट्रेस कोहेन इवेंट्स स्टॉकहोल्स एंड क्रेंच. इसके अलावा भी जो आपकी लाइब्रेरी में सोशल साइकोलॉजी की जो पुस्तकें हैं उनको आप पढ़ सकते हैं. यू कैन रेफर दीज बुक्स एज वेल एज अदर बुक्स विच इज अवेलेबल इन योर लाइब्रेरी. नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट सोशल साइकोलॉजी. लेट अस डिफाइन इट्स डेफिनेशन. सोशल साइकोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल when he comes in contact with other individuals or interacts with any social group or groups or is confronted with some social situation in which he participates consciously or unconsciously. ab is definition ko hum ek bar hindi mein padh lete hain. ise hum paribhasha kehte hain. samaj manovigyan vyakti ke samay ke us samay ke vyavhar ka ek vaigyanik adhyayan hai jab woh hai दूसरे व्यक्तियों के संपर्क में आता है या किसी सामाजिक समूह के साथ अंतक्रिया करता है या किसी सामाजिक स्थिति का सामना करता है जिसमें वह सचेत या अचेत असचेत रूप से हिस्सा लेता है. आप ये देख सकते हैं, द डेफिनेशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी सेज दैट इट इज़ अ स्टडी ऑफ बिहेवियर व्हेन एन इंडिविजुअल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एनी सोसाइटी और ग्रुप. यानी दूसरे व्यक्तियों की प्रेजेंस में, उपस्थिति में व्यक्ति किस प्रकार व्यवहार करता है, उस व्यवहार का अध्ययन ही सामाजिक मनोविज्ञान की परिभाषा कहलाता है. नाउ लेट अस गो फॉर अनदर डेफिनेशन, स्मॉल डेफिनेशन जिसकी बैरन बार ने दी है. वो कहते हैं कि द साइंटिफिक फील्ड, यानी कि मनोविज्ञान, सोशल साइकोलॉजी एक साइंटिफिक फील्ड है दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर इन सोशल सिचुएशन. सिंपल सी बात ही कह रहे हैं, यह एक ऐसा मनोवैज्ञानिक, ऐसा वैज्ञानिक क्षेत्र जो सामाजिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहार की प्रकृति और कारणों को समझना चाहता है. यानी कि व्यक्ति किस प्रकार सोसाइटी में और सामाजिक स्थितियों में कैसे व्यवहार करता है, उस व्यवहार की प्रकृति को समझना, उस व्यवहार को समझना ही, और उस व्यवहार को आप साइंटिफिक तरीके से समझना, वैज्ञानिक तरीके से उसको समझना, उसकी उसको इंटरप्रेट करना, उसको परिभाषित करना और फिर उनके रिजल्ट्स को निकालना ही सोशल साइकोलॉजी कहलाता है.
यानी बहुत ही एक इम्पोर्टेंट विषय है ये। इसके बारे में हम दो कोर्ट्स भी हम यहाँ पढ़ेंगे, तो बहुत ही फेमस कोर्ट्स हैं। एक है जो फिलोसफर रहे हैं बेनेडिक्ट स्पिनोजा, वो एथिक्स में वो कहते हैं कि मैन इज ए सोशल एनिमल, बिल्कुल इंसान एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल कहा उन्होंने। और यही इस सोशल साइकोलॉजी का आप एक इस कोट को आप आधार मान सकते हैं, और इस सोशल जो सोशल एबिलिटी है इंसान की, उसी को समझने का एक प्रयास है सोशल साइकोलॉजी के द्वारा। अब जॉर्ज हर्बर्ट मीड एक बहुत ही सोशल साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, वो कहते हैं कि सोशल साइकोलॉजी इज स्पेशली इंटरेस्टेड इन द इफेक्ट विच द सोशल ग्रुप हैज इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सपीरियंस एंड कंडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल मेंबर। यानी कि एक व्यक्तिगत एक समूह का कोई व्यक्ति सदस्य है, उस सदस्य का व्यवहार को किस प्रकार, आचरण को किस प्रकार सोशल वो ग्रुप कैसे उसको डिटरमाइन करता है, कैसे उसको ऊपर उसका इन्फ्लुएंस करता है, कैसे उसको प्रभावित करता है, इसी को समझने में जो विषय इस्तेमाल होता है उसे सोशल साइकोलॉजी कहा जाता है। नाउ लेट अस सी नेचर क्या है सोशल साइकोलॉजी का, यानी कि सामाजिक मनोविज्ञान या समाज मनोविज्ञान की प्रकृति पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं कि सोशल साइकोलॉजी कौन कौन से प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करती है। सोशल साइकोलॉजी ट्राइज टू आंसर द फॉलोइंग फ्यू क्वेश्चंस। पहला, हाउ एंड व्हाई पीपल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर इमीडिएट सोशल एनवायरनमेंट, यानी कि आसपास के सामाजिक माहौल से व्यक्ति कैसे और क्यों प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है जिसका सोशल साइकोलॉजी आंसर ढूंढने का प्रयास करती है, हाउ पीपल थिंक अबाउट अदर्स, दूसरे लोगों के बारे में, दूसरों के बारे में व्यक्ति कैसे और क्यों सोचता है। द थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई एंड हाउ पीपल आर अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर्स, दूसरों की उपस्थिति में व्यक्ति क्यों और कैसे प्रभावित होता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसके अंदर सोशल लॉफिंग, सोशल फैसिलिटेशन, सोशल इनिबिशन, ऐसे ऐसे कंसेप्ट आते हैं कि हम किस प्रकार से दूसरों की उपस्थिति में अपने व्यवहार में अनकॉन्शियसली चेंज ले आते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ पीपल बिहेव इन ग्रुप्स, जब हम समूह में होते हैं तो हम किस प्रकार व्यवहार करते हैं, और सोशल साइकोलॉजी इस बात की स्टडी करता है कि ऐसा व्यवहार हम क्यों करते हैं और किन परिस्थितियों के कारण हम ऐसा व्यवहार करते हैं। नाउ लेट अस सी इसका प्रकृति पे हम और थोड़ा सा गहराई से चर्चा कर लेते हैं। सोशल साइकोलॉजी वन ऑफ द सोशल साइंसेज, सोशल साइंसेज जो है सामाजिक जो विज्ञान है उनका एक हिस्सा है सोशल साइकोलॉजी, विच फोकसेज ऑन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सोशल बिहेवियर। हमने बताया कि सामाजिक मनोविज्ञान का अध्ययन करने उसको समझने की कोशिश करती है। सोशल साइंसेज आर द मेंटल और कल्चरल साइंसेज, यानी कि मानसिक और सांस्कृतिक विज्ञान होते हैं, विच डील्स विद द एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल्स एज मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। यानी ये ERS सेलिगमन बताते हैं कि किस प्रकार से जो ग्रुप के अंदर जो इंडिविजुअल्स व्यवहार करते हैं उनको स्टडी किया जाता है। इट इज अ साइंस, हम कह सकते हैं कि सोशल साइकोलॉजी एक साइंस है, बिकॉज इट एम्प्लॉयज साइंटिफिक अप्रोच टू स्टडी यूजिंग थ्री साइंटिफिक कंपोनेंट्स। यानी कि जो साइंटिफिक साइंसेज हैं उसमें जो तीनों मेन रूप से कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनका पूर्ण रूप से सोशल साइकोलॉजी अपने हाइपोथेसिस को टेस्टिंग में इस्तेमाल करती है। पहला है जैसे अंडरस्टैंडिंग, यानी को समझना, पहले किसी भी कंसेप्ट को समझना, प्रेडिक्शन आप पूर्व कथन कर सकते हैं, और कंट्रोल और नियंत्रण यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस तीन एस्पेक्ट्स का सोशल साइकोलॉजी इस्तेमाल करता है, और हम कह सकते हैं कि सोशल साइकोलॉजी एक साइंटिफिक फील्ड है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट, इट टेस्ट हाइपोथेसिस बाय डायरेक्ट एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस, यानी सीधी प्रायोगिक प्रक्रिया से ये प्राकल्पना यानी हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है, एंड इंटरप्रेट रिजल्ट्स इन साइंटिफिक ट्रेडिशन। जो साइंटिफिक फील्ड्स होते हैं वो जो अपने ट्रेडिशंस हैं, जो उनकी प्रक्रियाएं हैं, जैसे वो अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, सोशल साइकोलॉजी भी उसी प्रकार से अपने रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करता है। देखिए, नेचुरल साइंसेज हैव एब्सोल्यूट जीरो, नेचुरल साइंसेज में एक खास बात होती है उनके एब्सोल्यूट जीरो होता है, बट सोशल साइंसेज डू नॉट हैव दिस प्रोविजन, उनके पास ये सुविधा नहीं होती है। यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट जीरो कंसेप्ट का आप समझाना चाहता हूँ। जैसे नेचुरल साइंस में आप सिंपल सी बात देखिए, अगर आपकी हाइट नापनी है या किसी का वजन नापना है
तो वजन की जो शुरुआत होती है नापने से वो जीरो से आगे होती है, 0 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 किलो, 50 किलो, यानी किसी भी चीज़ का वजन अगर नापना है तो इस तरह से उसकी जीरो से शुरुआत होती है। जबकि सोशल साइकोलॉजी में देखते हैं कि सोशल फैसिलिटेशन एक फिनोमिना है, एटीट्यूड एक फिनोमिना है, प्रिजुडिस एक फिनोमिना है, स्टीरियोटाइप्स एक फिनोमिना है जिसको हम इसमें स्टडी करते हैं। तो हम कहीं पर भी ये नहीं कह सकते कि एटीट्यूड कोई ऐसी व्यक्ति है जिसके अंदर जीरो एटीट्यूड होगा, कुछ ना कुछ एटीट्यूड उसमें होगा, यानी कि उसकी जो शुरुआत है जीरो से नहीं होती है, एब्सोल्यूट जीरो उसके अंदर नहीं होता है। यही एक कारण होता है मुख्य रूप से जिसमें कि इसको कहा जाता है कि ये सोशल साइंसेज का हिस्सा है। डेटा कलेक्शन में हमारे पास एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है। अब आप देखेंगे सोशल साइकोलॉजी स्टडीज ह्यूमन बींग्स इन इट्स टोटलिटी, यही एक ऐसा साइंस है, यही एक ऐसा विज्ञान है जो मानव को संपूर्णता में स्टडी करता है। एंड रिले ऑन कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, द रिजल्ट्स अराइव्ड एट आर वैलिड एंड रिलायबल, क्योंकि साइंटिफिक टेक्निक्स में यूज की गई होती हैं, और वैलिड रिलायबल का मतलब ये होता है, वैलिड का मतलब ये होता है कहीं आप इस्तेमाल कर लो वैसा ही परिणाम देंगे, और रिलायबल का मतलब ये होता है विश्वसनीयता है, बार बार अगर उसको आप इस्तेमाल करते हैं उसकी थ्योरीज को तो वैसा ही रिजल्ट्स आते हैं, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स। हेंस द नेचर ऑफ सोशल साइकोलॉजी इज ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक सर्टेन कंडीशंस, वाइल सब्जेक्टिव एंड क्वासी साइंटिफिक इन फ्यू अदर सोशल सिचुएशन। क्वासी साइंटिफिक हम इसलिए कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब सोशल साइकोलॉजिस्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है और उनको रैंडमली ग्रुप्स में डिवाइड नहीं कर सकता है, उनको रैंडमली अलॉट नहीं कर सकता है। दो इट इज अ साइंस बट इट डिफर्स फ्रॉम नेचुरल साइंसेस। अब हम नेक्स्ट चैप्टर हमारा है, टॉपिक है सब्जेक्ट मैटर ऑफ सोशल साइकोलॉजी। अभी आप देख सकते हैं इसके तीन मुख्य आधार होते हैं। आप देखिए पहला ये है इफेक्ट ऑफ ग्रुप ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर, यानी किसी एक समूह का, एक व्यक्ति समूह के व्यवहार का उस एक व्यक्ति के व्यवहार पर कैसे असर पड़ता है। दूसरा आप देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ इंडिविजुअल ऑन ग्रुप्स बिहेवियर, यानी व्यक्ति के व्यवहार का समूह के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट है दो समूह हैं उनके आपस के व्यवहार का एक दूसरे के व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे एक दूसरे के व्यवहार को बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं। दीज आर द 3 थिंग्स मेजर क्राइटेरियाज विच आर टू बी स्टडीड इन सोशल साइकोलॉजी। नेक्स्ट हम देखते हैं सोशल साइकोलॉजी का द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन सोसाइटी इज द मेजर थीम ऑफ स्टडी ऑफ सोशल साइकोलॉजी, और उसके कुछ फ्यू कंपोनेंट्स हैं जिसको बहुत डीपली स्टडी किया गया और आज भी स्टडी किया जाता है। आप देखेंगे सबसे पहले एटीट्यूड्स, अभिवृत्ति, कन्फर्मिटी, अनुरूपता, ओबीडियंस, आज्ञा पालन, इंटरप्रिटेशन, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन एंड रिलेशंस, अंतर्व्यक्तिक आकर्षण एवं संबंध, अल्ट्रुइज्म यानी परोपकार, प्रिजुडिस यानी कि पूर्वाग्रह, एग्रेशन आक्रामकता, सोशल मोटिवेशन सामाजिक अभिप्रेरणा, कल्चरल प्रोसेसेस सांस्कृतिक प्रक्रियाएं, ग्रुप डायनेमिक्स समूह गतिशीलता, कम्युनिकेशन प्रोसेस संप्रेषण प्रक्रियाएं एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स इत्यादि सामाजिक द्वंद इत्यादि। अब इसको हम थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे। सोशल साइकोलॉजी एक्सप्लोर्स सोशल इंस्टीट्यूशंस यानी सामाजिक संस्थाएं हैं उनकी भी पड़ताल करती है सोशल साइकोलॉजी, जैसे कि कौन कौन सामाजिक संस्थाएं होती हैं, फैमिली, रिलीजन, पॉलिटिक्स, एक स्ट्रेटिफिकेशन विद इन सोसाइटी यानी समाज के अंदर एक स्तर विन्यास, जैसे कि कैसे क्लास हमारी बटी होती हैं, कोई हायर क्लास है, लोअर क्लास है, स्ट्रक्चर कैसे संरचना उसकी बनी है, जेंडर, लिंग, रोल्स यानी जो महिलाएं हैं पुरुष हैं उनका क्या रोल है समाज में, इनको भी स्टडी किया जाता है। बेसिक सोशल प्रोसेसेस कौन कौन से सामाजिक जो आधार होते हैं, जैसे सामाजिकरण कैसे होता है, कैसे विचलन होता है, डेवियंस होता है, सोशल कंट्रोल सामाजिक नियंत्रण क्या होता है, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल यूनिट्स, जैसे कि सोशल यूनिट्स जो होती हैं जिसको सोशल साइकोलॉजी बनी होती है उसको हम सोशल यूनिट्स कहते हैं। जैसे ग्रुप्स क्या होते हैं, एक सोशल यूनिट होती है, सामाजिक इकाई होती है, नेटवर्क्स जो कैसे हम जुड़े होते हैं एक दूसरे से, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यानी औपचारिक संस्थाएँ और ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही, ये सारी चीज़ें भी सोशल साइकोलॉजी के सब्जेक्ट मैटर का एक हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस डिसिप्लिन का, सोशल साइकोलॉजी का दूसरे डिसिप्लिन से क्या क्या संबंध और किन किन डिसिप्लिन से संबंध है। सोशल साइकोलॉजी बीइंग रिलेटेड टू स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इन टर्न इट इज रिलेटेड टू ऑल डिसिप्लिन्स दैट आर रिलेटेड टू ह्यूमन बीइंग्स सच एज जनरल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, एथिक्स, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, पोलिटिकल साइंस, मीडिया स्टडीज, जियोग्राफी,
एंड ऑल अदर फिजिकल एंड सोशल साइंसेज. इसको एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं. सामाजिक मनोज्ञान मानव से सीधे संबंधित होने के कारण यह स्पष्ट तौर से उन सभी विषयों से संबंधित है जो मानव से संबंधित होते हैं. उदाहरण के लिए सामान्य मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, मीडिया अध्ययन, भूगोल एवं दूसरे प्राकृतिक विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान जो कि मानव से संबंधित है. तो फ्रेंड्स, आज हमने पढ़ा सोशल साइकोलॉजी की डेफिनेशन, उसका नेचर, वो कैसा है, साइंटिफिक है, क्वासी साइंटिफिक है, और वैसा वो क्यों है, कैसा उसका नेचुरल और सोशल साइंसेज में उसके बीच में अंतर है. उसके बाद हमने कुछ कंपोनेंट्स पढ़े सब्जेक्ट मैटर के अंतर्गत आया कि कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनकी सोशल साइकोलॉजी स्टडी करता है और उनकी क्यों करता है और किस तरह से समाज में व्यक्ति व्यवहार करता है. ये सारे अभी हमने आज वीडियो में देखा. और अंत में हमने देखा कि किस तरह से सोशल साइकोलॉजी दूसरे उन सभी विषयों से संबंधित है जो मानव से संबंधित होते हैं. इस वीडियो में के बनाने के लिए प्रेजेंटेशन ट्यूब का बहुत बड़ा योगदान है. आई गिव स्पेशल थैंक्स टू प्रेजेंटेशन ट्यूब टीम एंड डियर फ्रेंड्स, थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम. और यहाँ मेरा ईमेल दिया गया है verma sujit@yahoo.com. अगर आपको इसी संबंधित मेरी वीडियो संबंधित कोई क्वेरी है, कोई ऑब्जेक्शन है, मुझे बहुत ही खुशी, अत्यंत खुशी होगी कि आप मुझे इस वीडियो पर मेल करेंगे, इस ईमेल आईडी पर मेल करेंगे. थैंक यू वंस अगेन.